अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज़ से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ, गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका, तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। नाबालिग बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है, मगर अफसोस इस बात का कि जब हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं तो क्या दूसरे बच्चों पर तरस नहीं आता उन लोगों को। चलो मान लेते हैं कि वो लोग उनसे काम लेते हैं और बदले में उन्हें काम के पैसे भी देते हैं, लेकिन उन बच्चों को गंदे कपड़े पहनाना और इतनी ठंड में उन्हें बिना चप्पल के रखना किस हद तक सही है? क्या उन्हें उन बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आता देखकर? आज आपको ऐसी ही एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर करनाल से आई स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम गुप्त सूचना मिलने पर पहुंची और दो नाबालिग बच्चों को काम करते हुए मौके से पकड़ा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम अंदर पहुंची तो दुकानदार अपने आप को बचाने के लिए ये कहता हुआ नजर आया कि ये बच्चा तो दुकान में बर्गर लेने के लिए आया है। आइए आपको भी दिखाते हैं पूरी खबर। शरीर पर मैले कुचैले कपड़े, इतनी ठंड में पैरों में चप्पल नहीं, नंगे पांव चलता ये बच्चा, उम्र सिर्फ 12 साल, नाम पता नहीं। हुआ यूं कि आज पानीपत शहर के खेल बाजार में लखन बेकरी पर नाबालिग बच्चों के काम करने की गुप्त सूचना स्टेट क्राइम ब्रांच को मिली, जिस पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज मौके पर जाकर दुकान के अंदर छापेमारी की तो उन्हें एक बच्चा काम करते हुए मिला। लेकिन उसी वक्त दुकान का मालिक अंदर आ गया और अपना बचाव करते हुए बहाने बनाने लगा कि ये बच्चा तो सिर्फ बर्गर लेने के लिए यहाँ पर आया है। स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत बच्चे को अपने कब्जे में लिया और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गई। सूचना ये भी है कि एक और नाबालिग बच्चे को भी टीम ने मौके से पकड़ा और उसे भी अपने साथ ले गई। आप इस नाबालिग बच्चे को इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वहीं करनाल से आई स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम के सदस्य ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। ये हमें गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि लाखन बेकरी पानीपत में छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। उस सूचना के आधार पर हम यहाँ पे आए थे। एक लड़का बरामद हुआ, आगे कार्रवाई के हेतु इसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पेश कर देंगे, जो कानूनी कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। कितने साल का सर ये बच्चा है, कहाँ का है? 12 साल का। कहाँ का रहने वाला सर ये बच्चा, पता? ये ताजपुर विलेज बता रहा है अपना। वहीं दुकानदार का कहना है कि बच्चे के पिता उसे यहाँ नौकरी करने के लिए छोड़ कर गए हैं, उसने उसे नौकरी पर रखा हुआ था। बच्चा उसके बिहार से है। तो कौन इसको लेके आया, कब से काम करा के? अभी तो आया, एक महीने हुआ, वो 1.5 महीने, 1 महीने। तो कौन लेके आया, कितने? इसे चाचा लेके आया था, 6,000 तनख्वाह था, बाकी वो गांव जाना था, इसने जाना है अपने गांव, 10 तारीख को जाएगा ही। वो उसे घर में परेशानी चल रहा था, इसलिए आ गया था यहाँ कमाने के लिए। इस पूरे मामले में कार्रवाई करने आई करनाल से स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम फिलहाल बच्चों को अपने साथ ले गई है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी खबर को देखकर वो दुकानदार और शोरूम वाले सावधान हो जाएं जो बच्चों से काम करवाते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चों को नौकरी पर रखना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार।
पानीपत का नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।